नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देश भर में चैत्र नवरात्र और रामनवमी की धूम, सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। अयोध्या में रामनवमी की विशेष तैयारी चल रही है। इस बार जन्मोत्सव का सीधा प्रसारण लाइव होगा। आपको बता दें कि सीएम योगी के निर्देश पर राम जन्मोत्सव का सीधा प्रसारण होगा, यानी कि अयोध्या में भव्य तरीके से, दिव्य तरीके से रामनवमी का आयोजन होगा। कई सारे कार्यक्रम होंगे और इसके साथ ही उसका प्रसारण भी होगा। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि देश भर में चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं सबसे पहले उन्होंने सुबह ही ट्वीट कर दिया है और अयोध्या में रामनवमी की विशेष तैयारी चल रही है, लगभग पूरी हो चुकी है हमें कह सकते हैं। इस बार जन्मोत्सव का सीधा प्रसारण भी होगा। तो चैत्र नवरात्र का आज नौवां दिन है और इसको बेहद खास बनाने की जो पूरी कोशिश है वो की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। भक्त सुबह से ही मंदिरों में आकर दर्शन पूजन कर रहे हैं और आरती भी हुई सुबह सुबह मंदिरों में, जिसके बाद भक्त मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद ले रहे हैं माता का। तो साथ ही आज रामनवमी है क्योंकि, तो अयोध्या में भी भव्य तैयारी है। तो नौवां दिन बेहद खास है। माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के नौवें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो नौवां दिन नवरात्र का माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है और नौवें दिन को बेहद खास बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर है। खासतौर पर अयोध्या में भव्य तरीके से रामनवमी का आयोजन किया जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण भी होगा। अयोध्या के कनक भवन में राम जन्मोत्सव की कैसी तैयारियां हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने इसका जायजा लिया। कनक भवन में प्रभु राम के जन्म के आयोजन को लेकर के पूरी तैयारियां की गई हैं। आप जरा देखिए किस तरीके से, चूंकि यहाँ पर श्रद्धालुओं का एक बड़ा रेला इस समय उमड़ रहा है, लगातार जो है कनक भवन में दर्शन के लिए यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और श्रद्धालुओं के लिए पूरा न सिर्फ बैरिकेटिंग की गई है, चारों तरफ से रूट मैनेजमेंट किया गया है किस तरीके से क्या रूट में यहाँ पर भीड़ को लाया जाएगा और उसके बाद ले जाया जाएगा। बाकायदा आप देखिए जो लगातार अधिकारी हैं वो अधिकारी लगातार जो है यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं, यहाँ सभी व्यवस्थाओं को परख रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके की कोई कमी ना हो। चूँकि सबसे बड़ी बात यह है कि 20 लाख से ज़्यादा यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और कनक भवन वो सबसे महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर जो है यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। राम जन्मभूमि के बाद कनक भवन में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे और उसके लिए बाकायदा न सिर्फ लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की गई है। महाराज जी कहाँ से आए हैं आप? हम गुजरात से आया। गुजरात से आए? गुजरात से आया। तो रामनवमी के लिए आए हैं यहाँ पर? रामनवमी का दर्शन के लिए आया। कैसा लग रहा है? धर्म का, हिंदू धर्म का पाया का स्थान है ये। कनक भवन आने के पीछे कोई आशय? ये राम राज्याभिषेक का स्थान है, उसका लाखों लोगों का आस्था का केंद्र है, इसलिए भारत का लाखों लोग खेचा खेचा के यहाँ आते हैं। इसलिए आप कहाँ से आए? हम गुजरात से आए हैं। गुजरात से आए? हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ पर? हमको बहुत बढ़िया लग रहा है और हम तो मोदी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि राम जन्मभूमि का निर्णय ले लिया और दर्शन करके हमको बहुत खुशी हो रही है। मोदी साहब बहुत अच्छा भारत बनाएगा और ये गुरु जी सारंगपुर हनुमान जी कष्टभंजन देव, सारंगपुर कष्टभंजन देव का मैं महंत हूँ। मैं नरेंद्र मोदी वड़ाप्रधान बने और हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का और भारत की रक्षा करे, इसलिए मैं 84 घंटा पानी नहीं लिया था, चांद्रायन कठोर व्रत किया था मोदी के लिए। 84 घंटा तीन तीन रात
तीन चार दिन और तीन रात में पानी नहीं लिया था। और योगी जी का हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि हमारा हिंदुत्व के लिए वो बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। इसलिए आप लोग कहाँ से आए? मैं बलिया यूपी से आया हूँ। बलिया यूपी से। ये दो साल बाद एक भव्य आयोजन हो रहा है जो है यहाँ पर राम जन्म को लेकर के जो है, तो कितना बड़ा मौका है आप लोगों के लिए? देखने में सुंदर लगा, अच्छा लगा कि हिंदुओं का त्योहार है, पर्व है, लेकिन अयोध्या की पुलिस प्रशासन जो सुबह हम लोग हनुमानगढ़ी के तरफ गए और जो सामंतवादी विचार के लोग वहाँ, यानी कि दिक्कतें सामना करना पड़ा। बिल्कुल, तो देखिए चूंकि जो सिक्योरिटी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो भी उसकी वजह से लोगों को कुछ परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बाकायदा जो है यहाँ पर जो आस्था का सैलाब है वो उमड़ रहा है और कनक भवन में इंतजाम पूरे समुचित किए गए, चाहे सुरक्षा के इंतजाम हो या फिर रूट मैनेजमेंट के, उन सभी इंतजामों को लगातार पुख्ता किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, अयोध्या। तो रामनवमी पर अयोध्या में आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। राम भक्त कैसे जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, अयोध्या से ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। रामनवमी में रामलला के दर्शन के लिए इस बार श्रद्धालुओं का रेला उमड़ रहा है। जरा पीछे देखिए किस तरीके से पूरी सड़कें श्रद्धालुओं से पटी पड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। लोग दूर दूर से आ रहे। सर क्या नाम है आपका? अजय गौड़। कहाँ से आए हैं? बरेली से आए हैं। बरेली से आए हैं जी। दो साल बाद कोविड काल में दो साल दर्शन नहीं हो पाए, तो अब क्या लगता है वो कसर पूरी करना चाह रहे हैं? हाँ, सब कसर पूरी हो जाएगी। पूरा जनमानस उमड़ पड़ा है आज। कैसा महसूस हो रहा है अयोध्या? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इससे पहले भी आई है? हाँ, बहुत बहुत पहले आई। पहले आई है, तब कुछ अयोध्या बदली नजर आ रही है? बहुत बदला है तब से। विकास वगैरह हुआ है? विकास तो हुआ ही है, मोदी जी की मेहरबानी है। रामलला का मंदिर बन रहा है, खुशी महसूस हो रही है? बिल्कुल, बहुत खुशी। माँ कहाँ से आए हो? समस्तीपुर जिला से। समस्तीपुर से? हाँ। रामनवमी के लिए आई हो? हाँ हाँ। तो दर्शन हुए क्या? हाँ, दर्शन हो गए। कैसा लगा? बहुत अच्छा। रामलला का मंदिर भी बन रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। मंदिर बनता हुआ देखा? हाँ देखा। तो अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं बेगूसराय, बिहार से। बिहार से आए हैं? बिहार से आए हैं। तो केवल दर्शन करने आए हैं यहाँ पर? यहाँ पर पाँच दिन से हैं। अच्छा। पूरा अयोध्या घूम रहे हैं, मणि पर्वत और पूरा भगवान को जहाँ भरत जी का है वो सब कुंड घूम करके। अयोध्या में कुछ बदला है कि नहीं बदला? बहुत कुछ बदला है। अच्छा लग रहा है अयोध्या में? खूब अच्छा लग रहा है। शांति मिल रहा है, खाने पीने तो कोई भी कमी नहीं। हाँ, योगी जी ने कुछ विकास कराया है अयोध्या में? बहुत अच्छा कराया है, जमीन भूमि पे। अच्छा, जन्मभूमि बन रहा है राम जी का मंदिर? खूब बन रहा है। पहले से मोदी योगी सब चीज करा रहा है, मोदी योगी मिलको अयोध्या जी में मंदिर बना रहे हैं। हाँ, तो अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सालों से अभिलाषा थी कि राम जी टेंट में बैठे हैं, अब उनका मंदिर बन जाए, वो पूरी हो रही है अभिलाषा? हाँ, अभिलाषा पूरी हो रही है। हाँ, कभी नहीं माया, कभी नहीं आप पहले तो आए हैं, मगर देख को दिल खुश हो गया। योगी मोदी, हम लरहन स्टेट को रहने वाली है, सरस्वती देवी सरस्वती दासी लरहन स्टेट के भेवीपुर थाना के। बाबा आप कहाँ से आए हो? हम प्रतापगढ़ से आए हैं जी। प्रतापगढ़ से? हाँ जी। हमारा ऐसा हुआ कि भगवान ऐसे योगी और मोदी जी दोनों मिलकर भगवान को लाए हैं, पता नहीं कितने वर्षों से इंतजार करते, कितने चले गए और हमारे जैसा हुआ भाग कि यहाँ दर्शन हुआ। हम धन्यवाद हैं योगी जी को, बार कोट कोट प्रणाम करते हैं और बार बार नमस्कार करते हैं कि ऐसा ही प्रधानमंत्री, ऐसा ही जो ऐसा रहे कि सदा राम राज स्थापित हो, किसी को बुराई ना हो, किसी को वो ना हो। बिल्कुल, तो आप लोगों के चेहरों की बिल्कुल आप देखिए, जो जय श्री राम के जो नारे जो है ये गुंजायमान हो रहे हैं। ये अयोध्या है और कहते हैं प्रभु राम की अयोध्या में जो आता है वो राम राम करने को मजबूर हो जाता है। और शायद जिस तरीके से अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बन रहा है वो अपने में अद्वितीय है। आप देखिए वो पूरी जबरदस्त भीड़ यहाँ पर जो है
आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनुमान जो प्रशासन का है कि 20 लाख से ज्यादा यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे रामलला के दर्शन के लिए। और रामनवमी का जो दिन होता है वो अयोध्या के लिए सबसे खास होता है। और आप देखिए किस तरीके से जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी यहाँ पर जबरदस्त किए गए हैं। जो सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी हैं, जो पीएसी के जवान हैं, उन्हें खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। उनकी उनकी जो हालत है इस गर्मी में लगातार क्राउड मैनेजमेंट करना वो भी एक बड़ी चुनौती है। तो कहीं न कहीं हर एक तरीके से आप देखिए जो जो भी सुरक्षा कर्मी, सर एक चीज ये बताइए, आप लोग यहाँ पर सुरक्षा में तैनात हैं, किस तरह की सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं? इंतजाम बिल्कुल सही किए गए हैं और जो भी दर्शनार्थी हैं उनकी सुविधा के अनुसार जगह जगह पेयजल ये वो सारी चीजों की व्यवस्था की गई है। इस बार पहले से ज्यादा सुरक्षा नजर आ रही है जो है, तो उसके कोई खास वजह कि सिक्योरिटी को ज्यादा स्ट्रिक्ट किया गया है? हाँ, सिक्योरिटी को तो स्ट्रिक्ट किया गया है इसलिए कि ये मुकदमे के बाद ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये पहली बार लोग आ रहे हैं। 2 साल का पीरियड कोरोना में निकल गया, हो नहीं पाया, तो इस बार ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, इसलिए इसी के मद्देनजर वैसी ही व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, तो देखिए चूंकि 2 साल का जो मौका था वो कोविड की भेंट चढ़ गया था और कोविड की वजह से यहाँ पर रामनवमी का त्योहार उस भव्य तरीके से नहीं मनाया गया। प्रभु राम का जन्म हुआ, प्रभु राम का जन्म का अवसर होता है रामनवमी, और यही वजह है कि देश दुनिया से जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या आते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, माथा नवाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, आदर्श है, आदर्श के प्रतीक हैं, तो उनके दर्शन के लिए देश दुनिया से श्रद्धालुओं का रेला इस बार अयोध्या में उमड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहिनी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, अयोध्या। तो ब्रजेश श्रीवास्तव को आप सुन रहे थे और वो अयोध्या में मौजूद थे और अयोध्या में क्या तैयारियां हैं रामनवमी को लेकर ये आपको दिखा रहे थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। हमारे साथ आलोक मालवी प्रयागराज से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और गोरखपुर से हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हरेंद्र दुबे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं और रामनवमी का जो दिन है वो बहुत खास माना जाता है, आज कन्या पूजन भी करेंगे योगी आदित्यनाथ, क्या तैयारियां हैं? देखिए कन्या पूजन के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है, खासतौर से गोरखपुर गोरक्षनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री आवास पर इस समय हम गोरक्षनाथ मंदिर में मौजूद हैं और जिन कन्याओं का पूजन करेंगे उन कन्याओं को जो है कि सुरक्षा कर्मी बाखूबी अंदर पहुंचा चुके हैं। बस वो चंद घंटे बचे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते नजर आएंगे। उससे पहले वह इस समय प्रेजेंटेशन में मंदिर का भ्रमण कर रहे हैं, गौशाला में मौजूद हैं, गाय जो गाय हैं उनके बीच में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खास तौर से अभी भ्रमण करते करते वह सीधे फिर अपने आवास में जाएंगे, उसके बाद आरोग्य मेले, आज जो मुख्यमंत्री आरोग्य मेला जो है आज से शुभारंभ हो रहा है, तो आज जंगल कौड़िया पीएससी पर पहुंचेंगे जहां से आरोग्य मेला का शुभारंभ करेंगे और उसके बाद वहां से आएंगे तो 11:30 बजे के बाद नौ कन्याओं का जो नौ देवी का रूप है उन कन्याओं का विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद 3 बजे के बाद ये सूत्रों द्वारा पता चला है कि वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। ठीक है, आलोक मालवीय प्रयागराज में रामनवमी के इस खास पर्व पर कैसी हलचल है, क्या तैयारियां हैं? जी देखिए मैं इस समय अलोक शंकरी अलोपिन देवी के मंदिर में मौजूद हूँ और मेरे पीछे भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि आज सिद्धदात्री का दिन है। जो 9 दिन का व्रत रखते हैं लोग वो आज सिद्धदात्री की पूजा करते हैं, सिद्धदात्री की पूजा करने के साथ ही शक्ति की आराधना करते हैं। इस आराधना के लिए लोग लंबी लाइन में लगाकर अलोक शंकरी अलोपिन माता के मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। चूंकि यहाँ माता का हस्त गिरा था और हस्त गिरने के साथ ही अलोप हो गया था, इसलिए यहाँ पर अलोप रूप में माता विद्यमान है और इनकी आराधना सभी कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आज के दिन सरस्वती पूजन का भी दिन माना जाता है, इसलिए जो संगम नगरी प्रयागराज है वो गंगा यमुना और आदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी से संगम बनता है, इसलिए लोग संगम में डुबकी भी लगा रहे हैं और सरस्वती माँ की आराधना कर रहे हैं। इसके साथ ही जो 9 दिनों का व्रत है उसका पारण कर रहे हैं और यहाँ पर यज्ञशाला में अपना यज्ञ की पूर्ण आहुति देकर मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर तीर्थराज प्रयागराज का माहौल इस समय भक्तिमय बना हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर एक प्राचीन
रामलीला कमेटी है, पत्थरचट्टी रामलीला कमेटी, वो आज के दिन राम राज्याभिषेक करती है, जिसके साथ ही आज शहर भर में हलचल रहेगी और इसके साथ बड़ा भव्य प्रोग्राम यहाँ पर होने वाला है। जी जी, गोरखपुर में हरेंद्र का पूरा कार्यक्रम कैसे तय किया गया है, कितने बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करेंगे और उसके बाद, क्योंकि देखिए अयोध्या में क्योंकि जो जन्मोत्सव है वो राम जी का बहुत ही भव्य तरीके से दिखाया जाएगा और उसका सीधा प्रसारण भी होगा, तो ऐसे में कितने बजे पूरा कार्यक्रम तय किया गया है? देखिए गोरक्षनाथ मंदिर की अगर बात की जाए तो गोरक्षनाथ मंदिर में 11:20 का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है कन्या पूजन का। 11:20 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते नजर आएंगे और गोरक्षपीठ पीठेश्वर के रूप में नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासतौर से गोरखपुर में जिस तरह की गोरक्षनाथ मंदिर में ये मनोहर दृश्य देखने को मिलता है, तो इससे लगता है कि वाकई कोई संत कोई महात्मा को हमारे बीच में इस तरह का कार्यक्रम, जो पारंपरिक कार्यक्रम सदियों से चली आ रही है कन्या पूजन का, वह करते नजर आते हैं। लेकिन इन सबके बीच देखिए रामनवमी का पर्व बहुत खास इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि पिछले 2 साल से कोविड की वजह से और किसी ना किसी वजह से बहुत भव्य तरीके से नहीं मनाया जा सका, इसीलिए हरेंद्र हमें कह सकते हैं कि इस बार का जो रामनवमी है वो बहुत ज्यादा खास है। आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना काल में जिस तरह से हमारे दर्शक या हमारे जो भक्तगण थे या जो हमारे देवी देवताओं के पूजा करने वाले थे कहीं न कहीं मंदिरों से अछूते थे, मंदिर पर प्रतिबंध लगा था, लोगों की भीड़ इकट्ठा करने में रोक लगाई गई थी, तो 2022 का जो नवरात्रि रहा, 2022 का नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण रहा क्योंकि लोगों का जो 2 साल का श्रद्धा विश्वास देवी देवताओं में लोगों के दिल में था वह बाखूबी निखर करके बाहर आया और मंदिरों में उन लोगों की उस भक्ति को देखने को मिला। तो खासतौर से आज रामनवमी का दिन है और आज जन्म उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ अयोध्या में मनाया जाएगा, उसकी खुशी हर जिले में हर जगह हर देवी मंदिरों में देखने को मिल रही है। ठीक है आलोक, आप कोशिश करिए, आपके पीछे कुछ भक्त हैं, उनसे बात करने की कोशिश करिए क्योंकि आज रामनवमी है, आज माँ दुर्गा के नौवें रूप सिद्धदात्री की पूजा की जाती है, मंदिर में सुबह से ही पहुंचे हैं ये भक्त। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सुबह 3 बजे से लोग पहुंच गए हैं और लोग पहुंचने के साथ ही माँ की आराधना कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये एक पति पत्नी है, आप लोग यहाँ दर्शन करने आए थे सर, किस तरह का दर्शन मिला और क्या करना? दर्शन बाहर से ही करना पड़ा, काफी भीड़ है लेकिन यह है कि माता के स्थान पे आप आ गए तो सब कुछ हो गया, शक्ति मिली, शक्ति मिली। मैडम आप क्या कहेंगी? मुझे भी बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, भीड़ की वजह से बाहर ही करना पड़ा दर्शन। तो आप देख सकती हैं किस तरह से अंदर भीड़ है और भीड़ की वजह से लोग बाहर से भी दर्शन करके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी लंबी कई किलोमीटर की लाइन लगी हुई है जिस वजह से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए अंदर नहीं जा पाए। हालांकि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी चाक चौबंद है और इसके साथ ही भक्तों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर पंखे लगाए गए हैं और जो पंखे हैं वो यहाँ पर पानी वाले लगाए गए हैं जिससे लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जिस तरह से यहाँ पर अलोक रूप में विराजमान है माता, उनकी पूजन के लिए लोग दूर दराज से आए हुए हैं और बाहर से भी लोग यहाँ पर आते हैं और माँ की उपासना करते हैं। जी बिल्कुल, आप दिखा रहे हैं तस्वीर जहाँ पर तमाम लोग जो है, तमाम भक्त आए हुए हैं मंदिरों में सुबह से ही और यहाँ पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं। इनसे बात करके पूछिए एक बार आलोक कि कितने बजे से आए हैं और अब आगे पूरे दिन क्या इनका पूरा प्लान रहेगा, क्योंकि आज 9वां दिन है और नवरात्र के 9वें दिन इन्होंने इसी तरीके से पूजा की होगी और आज लास्ट डे है, क्या कहेंगे ये लोग? अब देख सकते हैं यहाँ पर जो श्रद्धालु है वह अपनी अपनी पूर्णाहुति दे रहे हैं, चूंकि 9 दिन की पूजा का विशेष महत्व होता है और 9 दिन की पूजा करने के साथ यहाँ पर पूर्णाहुति के साथ ही लोग शक्ति की आराधना करते हैं, जिस वजह से यहाँ पर लोग आराधना कर रहे हैं। हमारे साथ एक भक्त मौजूद है जो कि सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं। कितने बजे से आप आए थे और कैसे दर्शन? 6 बजे से हम आए हुए हैं। 6 बजे से आए हुए हैं, कितना घंटा लगा आपको दर्शन? ये देख लीजिए टाइम अभी का 7:30 बज रहा है, लाइन काफी लंबी थी और लेकिन दर्शन अच्छे हुए। सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? बहुत अच्छी सुरक्षा, सुरक्षा बहुत अच्छी है, व्यवस्थाएं अच्छी है।
क्या कहना चाहेंगे आज के दिन रामनवमी भी है? आज इन सभी को कहेंगे सौहार्द के साथ सबको रहना चाहिए, किसी को द्वेष की भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। दो साल तक कोरोना रहा है, कोरोना के बाद अब आप जो आए हैं दर्शन करने की भीड़ तो बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना काल में तो कोई भी घर से निकलने में भी डर लगता था, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज सबको अच्छा तरीके से सब दर्शन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोग श्रद्धालु आए हुए हैं और लंबी लंबी कतारों में लगकर दर्शन कर रहे हैं। जी ठीक है, हरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। हरेंद्र, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर की मान्यता बहुत पुरानी है, बहुत प्राचीन काल से ही लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। रामनवमी पे मंदिरों में कैसी रौनक नजर आ रही है? देखिए खासतौर से अभी सुबह का समय है और यहाँ पर इस मंदिर में 10 बजे के बाद आज भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस समय अभी लोग घर के पूजा पाठ में लगे हैं, चूंकि नवमी का दिन है तो नवमी के दिन माँ शीतला की पूजा आराधना करते लोग घर में नजर आ रहे हैं, तो शीतला माँ की पूजा करने के बाद गोरखनाथ मंदिर में लोगों की भीड़ देखने को मिलेगी। खास तौर से सबसे मनमोहक दृश्य वह होता है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करते नजर आते हैं। बिल्कुल, और ये हमने हमेशा देखा है, लगभग हर साल देखा है कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो कन्या पूजन करते हैं और पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि अयोध्या के कनक भवन में पुजारी कैसे राम जन्मोत्सव की तैयारियां कर रहे हैं, एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। प्रभु राम की जन्मस्थली अयोध्या में रामनवमी का जो जश्न है वो अपने आप में शबाब पर है। यहाँ श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा हुआ है, साधु संत यहाँ पर देश दुनिया से यहाँ पर आए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रामनवमी है वो अयोध्या के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। हमारे साथ महाराज जी, महाराज जी शुभ नाम क्या है आपका? हमारा नाम स्वामी भरताचार्य। महाराज जी, रामनवमी अयोध्या चूंकि प्रभु राम की जन्मस्थली है, कितना महत्वपूर्ण रखती है, और इस बार की रामनवमी में क्या बदलाव देख रहे हैं? जी रामनवमी भगवान का ऐसा है कि ये सप्तमोक्षदायिनी पुरियां हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची ममांतिका पुरी द्वारवती चैव सप्तैदा मोक्षदायिनी, ये सात मोक्षदायिनी पुरियां हैं। अर्थात ये सातों जगह में शरीर छूट जाने के बाद में पुनर्जन्म नहीं होता है, और इनमें भगवान के सात अंगों से इन सात पुरियों के प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ है। विष्णु पाद ममांतिका गुणवती जंघे च कांचीपुरी नाभौ द्वारवती तथा च हृदय मायापुरी पुण्यधाम ग्रीवा कंठ मुदा हरंति मथुराम नासांश्च वाराणसी एतद् ब्रह्म पदम वदन्ति मुनयो अयोध्यापुरी मस्तकम्। भगवान के चरणारविंद से अवंतिका अर्थात उज्जैन की उत्पत्ति हुआ है, जंघे से कांचीपुरी दक्षिण भारत में है, नाभौ द्वारवती नाभि से द्वारका हुआ है, तथा च हृदय मायापुरी पुण्यधाम हृदय से भगवान के हृदय से हरिद्वार मायापुरी हरिद्वार को कहते हैं, हरिद्वार के प्रादुर्भाव हुआ है। ग्रीवा कंठ मुदा हरंति मथुरा, ग्रीवा इसको कहते, ग्रीवा से कंठ मथुरा की उत्पत्ति हुआ है, नासांश से वाराणसी, नासिका से बनारस अर्थात काशी जी, एतद ब्रह्म पदम वदन्ति मुनयो अयोध्यापुरी मस्तकम, अयोध्यापुरी जो है सबका मस्तक, तो मस्तक जो है अर्थात सर्वोपरि है। भगवान थोड़े देर के लिए कहीं चले गए चित्रकूट आदि में, तो उससे ससरी बन गया। ये अयोध्या का महात्मा जितना भी कहा जाए कम है, बहुत कम है। प्रभु खुद प्रभु ने साक्षात मानव रूप में यहाँ पर जो है आकर के जन कल्याण किया, लोगों को मर्यादा का पाठ पढ़ाया, और आज प्रभु का मंदिर भी अयोध्या में बन रहा है, तो वो अपने आप में एक कितना पुनीत अवसर, एक बहुत बड़ा पुनीत अवसर है। और इस सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट सरकार ने इसको आदेश देकर के हिंदुओं के आस्था का सम्मान किया, ये बहुत ही अच्छा है, और बहुत उत्साह अयोध्या में है। अच्छा, कह रहे हैं इस बार प्रभु को 56 भोग परोसे जाएंगे, अलग अलग तरीके के पकवान परोसे जाएंगे, क्या कुछ तैयारी है? भगवान की तैयारी बहुत ही तैयारी है जी। असल में ये दो साल जो बीच में कोरोना जो मार गया, बीमारी आ गया, उनसे अयोध्या के मेला अर्थात रामनवमी सावन झूला वगैरह फीका पड़ गया, लेकिन इस बार कोरोना की भगवान की बड़ी कृपा है कि बीमारी कम है, नहीं है,
तो इस वास्ते अयोध्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है और भक्त लोग तमाम अपने भगवान प्रभु राम की आस्था को मना रहे हैं, जन्म उत्सव को मना रहे हैं। बड़ी खुशी की बात। कनक भवन क्यों बहुत महत्वपूर्ण? हाँ, कनक भवन महत्वपूर्ण इसलिए है कि भगवान सीता महारानी जब भगवान रामचंद्र जी जनकपुर से शादी करके आए और आने के बाद में सीता महारानी जानकी जी को ये हर लोकाचार भी है कि सास अपने बहू को मुंह देखती है पहले बार तो कुछ न्यौछावर देती है, तो माँ कैकेयी ने महारानी सीता को कनक मने सोने का महल बना करके उनको प्रदान दिया था, उनको किया था। इसीलिए कनक भवन बहुत मशहूर, भगवान का फेमस अयोध्या का बहुत फेमस जगह है। इसीलिए राम जन्मभूमि के बाद रामनवमी की सबसे ज़्यादा रौनक कनक भवन में, कनक भवन में है। और कनक भवन में रौनक बहुत ज़्यादा है क्योंकि इधर जो इस बीच दरमियान जो है ना ये राम जन्मभूमि का मामला जो थोड़ा सा ये कोर्ट कचहरी हो जाने से फीका पड़ गया था और इसलिए केवल हम कनक भवन का कनक बिहारी जी का जो है बहुत बड़ा आशा बहुत बड़ा प्रेम सबका लगा हुआ है कनक भवन। बिल्कुल, तो देखिए जो साधु संत हैं वो खासे आह्लादित हैं क्योंकि एक बार फिर अयोध्या की रौनक लौटी और सबसे बड़ी बात यह है कि कनक भवन का ताल्लुक चूंकि यहाँ पर एक तरह से शयन कक्ष भी था प्रभु राम और माता जानकी का और ये माता जानकी को उपहार में मिला था, इसीलिए राम जन्मभूमि के बाद जो सबसे ज्यादा रौनक है वो कनक भवन में देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, अयोध्या। तो ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर मौजूद थे अयोध्या में और उन्होंने आपको दिखाया कि कैसी तैयारियां चल रही हैं, वहाँ के जो पुजारी हैं, वहाँ के जो महंत हैं उनका क्या कुछ कहना है। हमारे साथ हरिंद्र दुबे बने हुए हैं गोरखपुर से और साथ ही आलोक मालवीय हमारे साथ है प्रयागराज से। आलोक मालवीय, जिस तरीके से अभी अभी दिखाया ब्रजेश जी ने कि अयोध्या में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है लोगों के अंदर रामनवमी को लेकर, नौवां दिन है आज नवरात्र का, सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर रौनक है, वहाँ पुजारियों में इस वक्त किस तरह की रौनक देखी जा रही है आलोक मालवीय? जिस तरह से आलोक मंदिर में जो माता के हस्त गिरे थे और हस्त गिर कर आलोक हो गए थे तो यहाँ पर पालनी की पूजा होती है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पालना विराजमान है और लोग खाली पालने की पूजन करके शक्ति की आराधना कर रहे हैं और लंबी लंबी लाइन लगाकर लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी बारी आने पर पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भक्तों का माहौल है वो काफी अच्छा है। जिस तरह से यहाँ पर भक्त आए हैं लाइन लगाकर, हमारे साथ एक श्रद्धालु गर्भगृह में भी मौजूद है। कहाँ से आए? मैं यही अल्लाहपुर से आया हूँ। कितनी देर लगी यहाँ पर? यहाँ आने में कम से कम 2 घंटे का समय लग गया मुझे, कि लाइन काफी लंबी लगी हुई है और लोग स्लोली अपना आ रहे हैं। व्यवस्था यहाँ पे ठीक हुई है, प्रशासन का भी व्यवस्था अच्छा है और लोग भी अच्छे से आ रहे हैं। क्या रामनवमी के अवसर पर? रामनवमी के अवसर पर हम यही लोगों से कहेंगे कि अपनी स्थिरता को बनाए रखें और अपना आए दर्शन करें माता रानी का और उनका आशीर्वाद। तो आप देखते हैं जिस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं और उसके बाद माँ की आराधना कर रहे हैं और उनके पर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। जी आलोक मालवीय, आप इस वक्त जहाँ पर मौजूद हैं, इस मंदिर की मान्यता क्या है? ये देखिए यहाँ पर माता के हस्त गिरे थे, हस्त गिरने के साथ ही यह शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुआ और यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं। कहते हैं यहाँ पर पालने की आराधना करने के साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और मनोकामना पूरी होने के साथ ही लोग यहाँ पर जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ाकर अपनी सारी सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं। इसलिए यहाँ पर सिद्धदात्री के रूप में माँ विराजमान है और 9 दिन तक आराधना करने के बाद लोग आज यहाँ पर आ रहे हैं और आने के साथ ही अपनी जो मनोकामना है उसे पूरी कर रहे हैं। जी बिल्कुल आलोक, और क्योंकि देखिए मान्यता बहुत ज्यादा है इसलिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है, हम देख रहे हैं लगातार। 9वां दिन बहुत खास होता है और 9वें दिन ही जो पूरे दिन पूजा अर्चना करते हैं, 8 दिन भक्त 9वें दिन भी इसी तरीके से पूजा अर्चना करते हैं तो उनको सिद्धि की प्राप्ति होती है। आलोक, यहाँ पर सुबह से ही आरती हो रही होगी और भक्त पहुंच रहे होंगे, प्रोटोकॉल्स क्या है मंदिरों में, क्या कोई प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं? ये देखिए जिस तरह से कोविड का खात्मा हो चुका है और श्रद्धालु भी अब
स्वच्छंद मन से यहाँ पर लाइन लगा कर आ रहे हैं और पूजन कर रहे हैं। इसके साथ ही लोग अब निश्चिंत है कि कोविड भी समाप्त हो चुका है और समाप्त होने के साथ ही अब यहाँ पर प्रोटोकॉल भी खत्म हो गया है, जिसलिए लोग अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं और पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं और इसके साथ ही अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर अलोक रूप में माता विराजमान है तो लोग अलोक शंकरी की दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। कहते हैं हस्तांगुली जब गिरी प्रयागा, उसके बाद लोगों का कल्याण करने के लिए माँ यहाँ पर मौजूद है और अलोक रूप में भक्तों का कल्याण कर रही है, जिस वजह से लोग दो दो तीन तीन घंटे लाइन लगाने के बाद यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। जी ठीक है आलोक, जैसे कि आपने बताया कि बहुत ही ज्यादा मान्यता है इस मंदिर की और यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करने आ रहे हैं, क्या बाकी के आठों दिन इसी तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना होती है? जी बिल्कुल, देखिए 51 शक्तिपीठों में से एक यह शक्तिपीठ है अलोक शंकरी अलोकिन देवी का मंदिर और यहाँ पर लोग बराबर दूर दराज से 9 दिन तक आराधना करते हैं और आज शक्ति की आराधना करने के साथ ही अपनी बारी आने पर पूजन अर्चन और उसके साथ ही हवन करते हैं और सभी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए यह प्रार्थना होती है और शक्ति के लिए इसका आराधना किया जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पर भक्तों की भीड़ है इसलिए पुलिसकर्मी और दरोगा भी लगाए गए हैं, सीओ स्तर के लोग भी यहाँ पर सुरक्षा के लिए लोगों की मौजूद है। जिस तरह से यहाँ पर मान्यताएं हैं उस मान्यताओं की पूर्ति के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और अपना पूजन अर्चन करते हैं। इसके साथ ही भजन का भी कार्यक्रम यहाँ पर शाम को आयोजित किया जाएगा और माता की आराधना करने के साथ ही लोग भजन करेंगे। इसके साथ ही एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो एक दिव्य ज्योति जल रही है जो कि अनवरत सैकड़ों वर्षों से जल रही है, जिसकी आराधना लोग करते हैं, पूजन करते हैं और पूजन करने के साथ अपने जीवन में प्रकाश का पर्व मनाने के लिए माता से कामना करते हैं। तो कुल मिलाकर जो यह मंदिर है वो काफी शक्तियों को देने वाला है और 51 शक्तिपीठों में से एक यह आलोक शंकरी माता का मंदिर है। जी चलिए ठीक है, आप बने रहिए आलोक हमारे साथ, ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हमारे एसोसिएटेड जो। ब्रजेश जी अयोध्या में आप मौजूद हैं और आज हर कोई चाहता है अयोध्या को देखना, क्योंकि लंबे समय बाद रामनवमी का ये पर्व बड़े ही धूमधाम से अयोध्या में मनाया जाएगा। एक बार तस्वीर दिखाएं ब्रजेश जी कि कैसी तैयारी है यहाँ पर, लोग क्या सुबह से ही आना शुरू हो गए हैं? ब्रजेश जी क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, देखिए अंशिका आज रामनवमी का पर्व है और कहते हैं आज प्रभु राम का जन्म हुआ था और जब राम के जन्म की बात हो और अयोध्या का जिक्र ना हो ये हो ही नहीं सकता। आज के दिन अयोध्या पूरी तरीके से सज धज करके तैयार है अपने प्रभु की अगवानी करने के लिए, अपने प्रभु के आगमन के लिए। हम इस वक्त सरयू तट पर है, मैं पहले कहूंगा कैमरन से कि जरा सरयू तट का वो नजारा दिखाएं। ये सरयू है और सरयू में स्नान किए बगैर जो है तर रही है और चूंकि दोपहर ठीक 12 बजे जैसे घड़ी की सुई में 12 बजेगा वैसे ही प्रभु का जो है आगमन होगा और प्रभु श्री राम का जन्म होगा और जो उस जन्मोत्सव की तैयारी के लिए जन्मोत्सव को मनाने के लिए यहाँ पर दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सरयू का स्नान कर रहे हैं और उसके बाद इधर आइए। कहाँ से आए हैं आप लोग? जिला बलरामपुर से। बलरामपुर से आए हैं, सरयू स्नान किया आप लोगों ने? जी जी जी। कैसा महसूस हो रहा है अयोध्या आकर? बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है। आज प्रभु राम का जन्म है, आज प्रभु राम जो है विराजेंगे अयोध्या में जो है, कितना पावन मौका है। आप लोग अयोध्या में मौजूद हैं? हम अयोध्या में मौजूद हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा उत्तम लग रहा है। सरयू स्नान किया? सरयू स्नान किया। काफी सारा बदलाव भी है, बहुत सारा विकास हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। योगी जी का दिया हुआ है, सब बहुत अच्छा लगा, बहुत हम लोग खुश हैं। हम लोग झारखंड से, हमारे योगी जी ने झारखंड से आए हैं रामनवमी पर्व के अवसर पर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से व्यवस्था बहुत बदला हुआ, पहले से डेवलप भी हुआ। हाँ, पहले से डेवलप भी हुआ। आज रामनवमी है, आज प्रभु राम का जन्म है और उस जन्मोत्सव में आप लोग साक्षी बन रहे हैं, तैयारियां कैसी देख रहे हैं? बहुत अच्छी तैयारियां हैं, सब लोग तैयारी करके आए हैं और सब सरकार की तरफ से भी बहुत अच्छी तैयारी है, हम इसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छी तैयारी।
कहीं कहीं अरे तो भीड़ होने के लिए काम कर रहे हैं ना, इसे थोड़ा लंबा लगा तो भीड़। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह कि चूंकि क्राउड यहां पर इतना ज्यादा है, इसकी वजह से भी जो है आप देखिए लोगों को जो है कहीं ना कहीं कुछ असुविधा भी हो रही है, लेकिन कहते हैं आस्था के आगे असुविधा का अपना कोई मोल नहीं होता। और यही वजह है कि यहाँ पर जो है ये जो पूरी भीड़ है जबरदस्त तरीके से इस वक्त अयोध्या सरयू तट पर आपको भीड़ उमड़ी हुई है। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, सरयू का स्नान करने के बाद फिर हनुमानगढ़ी के दर्शन करने जाते हैं, और हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद ही प्रभु राम की जो है जो जन्म स्थली है राम जन्मभूमि वहाँ के दर्शन कर रहे हैं। इस बार जबरदस्त तरीके से जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दो साल जो कोविड का दौर था, इस कोविड के दौर में यात्रा लगभग हो ही नहीं पाई, रामनवमी का वो भव्य तरीके से वो मनाया नहीं जा सका, और यही वजह है कि इस बार उसकी कसर पूरी की जा रही है। इस बार 20 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के यहाँ आने की संभावना, और अनवरत पूरी रात यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं के आने का जो ताता है वो लगा रहा। आप देखिए किस तरीके से जो बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं ताकि किसी को ट्रैफिक डाइवर्जन किया जा सके, वो बैरिकेडिंग लोग फांद फांद के तक आ रहे हैं, उनको किसी भी तरीके से सरयू तट पर पहुंचना है। ये अपने आप में यहाँ का जो नज़ारा है वो अपने आप का जो है बेहद अहम है, और सबसे बड़ी बात है ये तस्वीर बताती है कि किस तरीके से आस्था से लबरेज यहाँ पर लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद अब प्रभु राम का दिव्य और भव्य अद्भुत मंदिर भी बन रहा है, और उस मंदिर के दर्शन के लिए भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर रामनवमी में आज का दिन और अयोध्या में अगर आप सरयू का स्नान करते हैं तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता जो है। तो ये अपने आप में अयोध्या का वो अद्भुत नज़ारा है जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। इधर आप देखिए लगातार जो यहाँ पर लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, एक मेले के स्वरूप में यहाँ ये जो रामनवमी का पर्व है ये एक मेले की तरह होता है कि यहाँ पर लोग आते हैं, खरीदारी करते हैं, सरयू में स्नान करते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर प्रभु राम के दर्शन करते हैं। तो ये अयोध्या की अपनी महिमा है। अयोध्या ठीक 12 बजे प्रभु राम यहाँ पर विराजेंगे और उस वक्त 56 भोग परोसे जाएंगे प्रभु राम को, जो है उनकी जो है दिव्य जो शोभा यात्रा है वो निकाली जाएगी, और पूरे अयोध्या में ढोल नगाड़े मंजीरे थाली बजा करके प्रभु के आगमन की खुशियां मनाई जाएंगी। तो ये अयोध्या इस तरीके से पूरी अयोध्या को सजाया गया है, इस तरीके से पूरी अयोध्या इस वक्त राममय नजर आ रही है। तो ये है पूरा अयोध्या का दिव्य और भव्य नजारा। बिल्कुल ब्रजेश जी, ये दिव्य और भव्य नज़ारा आज जिस तरीके से जब राम जन्मोत्सव को प्रसारित किया जाएगा तो हर कोई इसका हिस्सा बनेगा, कोई घर बैठे बनेगा तो कोई जो वहाँ पर मौजूद रहेंगे लोग वो बनेंगे, वहाँ पर देखेंगे सारे कार्यक्रम को। ब्रजेश जी आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर आप दिखा रहे थे, हरिंद्र भी हमारे साथ बने हैं। हरिंद्र आप इस वक्त मौजूद है गोरखपुर में, गोरखपुर में कब तक रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फिर कब रवाना होंगे यहाँ से? ये सूत्रों के हवाले से खबर, आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि 12 बजे तक गोरक्षनाथ मंदिर में रहेंगे, और गोरक्षनाथ मंदिर में 12 बजे के बाद ही वो यहाँ से निकलने का उनको उनकी सूची बनी है। प्रशासनिक अधिकारियों के तरफ से अभी कुछ भी सूची जारी नहीं हुई, लेकिन सूत्रों द्वारा पता चला है कि 12 बजे के बाद मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना होंगे। हालांकि गोरखपुर में आज क्योंकि कन्या पूजन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बहुत ही ज्यादा उत्साह लोगों के अंदर होगा। वो कन्याएं जो आज कन्या पूजन में बैठेंगी, कहा जा सकता है कि उनके परिवार में भी एक अलग ही उत्सुकता इस वक्त देखने को मिल रही होगी। क्या वो कन्याएं तैयार हैं पूरी तरीके से आज कन्या पूजन में शामिल होने के लिए? देखिए जिन कन्याओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजन करेंगे उन कन्याओं के परिवार को चिन्हित कर लिया गया है और उनको जो है कि 10 बजे के बाद मंदिर में बुलाया गया है। खास तौर से सुरक्षा के बीच में उन लोगों को अंदर ले जाया जाएगा। दूसरी चीजें रही कि 9 दिन का जो पर्व होता है खास तौर से गोरक्षनाथ मंदिर में, तो 9 दिन का जो उत्साह देखने को मिलता है गोरखपुर की जनता वह अत्यंत ही बहुत
लुभावनी होती है, क्योंकि सभी लोग एक ही माँ से मिन्नते करते नजर आते हैं, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्था, क्योंकि आज आखिरी दिन है, आखिरी दिन सभी भक्तगण यही कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्था, यानी हे देवी जो गलती हुई होगी नौ दिनों के अंदर उसे आप क्षमा करें। सर्व मंगल मांगले सर्वाश्रे साधि के शरण त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र के साथ लोग नौ दिन पूजा किए। खास तौर से आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आज के दिन ही ये बसंती नवरात्र का जो नवमी होती है ये बहुत ही अद्भुत होती है, क्योंकि शारदीय नवरात्र की नवमी और बसंती बसंत ऋतु की नवमी में बहुत काफी अंतर है, क्योंकि इस नवरात्र में लोग पूजा पाठ करते ही करते हैं, तंत्र मंत्र भी लोग करते हैं, और तंत्र मंत्र का खास तौर से आज के दिन जाप ताप करने से लोगों को सिद्धि प्राप्त होती है। चलिए ठीक है हरेंद्र, ठीक है हरेंद्र, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। प्रयागराज से आलोक मालवीय भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रयागराज से आलोक, बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर आप थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे कि आखिर किस तरीके से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मंदिर में, एक बार वापस से दिखाएं जो आरती हो रही थी वहां पर, क्या वो आरती अब लगातार जारी है या आज कुछ खास तरीके से पूजा अर्चना किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अंशिका, यहाँ पर शक्ति की आराधना लोग करने से दूर दूर से आ रहे हैं। यहाँ पर पूर्व मौजूद है जो कि लोगों को यहाँ से हटा रहे हैं, भीड़ हटा रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर लोग मौजूद हैं उस तरह से आप देख सकती हैं, अपनी शक्ति की आराधना करने के साथ ही अपनी बारी की प्रतीक्षा लोग दो दो तीन तीन घंटों से कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आकर माँ की आरती कर रहे हैं। आरती करने के साथ ही वह अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना माता से कर रहे हैं। दो साल की कोविड काल के बाद इस वर्ष जो नवरात्रि आई है उसमें कोविड प्रोटोकॉल खत्म हो चुका है, जिस वजह से लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर माँ की आराधना करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। शक्ति की आराधना करने के साथ ही लोग आज रामनवमी का पर्व भी मना रहे हैं, तो यहाँ पर जो रामलीला कमेटियां हैं वह राम उत्सव मना रही है, और राम उत्सव मनाने के साथ ही भव्य और दिव्य जगराते का भी आयोजन किया गया है, जो कि यहाँ पर विशेष रूप से किया जाता है। तो तीर्थराज प्रयागराज में जगह जगह राममय और भक्ति माहौल है, जिस तरह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और दूर दराज से आए हुए लोग शक्ति की आराधना कर रहे हैं और माता की आराधना करने के साथ ही यहाँ पर लोग अपनी अपनी विशेष पूजा अर्चन कर रहे हैं और यहाँ पर यज्ञशाला में आहुतियां देकर अपने कल्याण की कामना कर रहे हैं। जी अंशिका, ठीक है। प्रिया राणा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया राणा, दिल्ली में अगर हम देखें तो आज नौवां दिन है और नौवें दिन मंदिरों में जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही पहुंचने शुरू हो गए हैं। एक बार आप तस्वीर दिखाइए मंदिर की, वहां पर कैसी रौनक है, और एक बार कोशिश भी करिए कि आप बात करें वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं से। अभी हम दिल्ली के कालका जी मंदिर में हैं, जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर भक्तों की लगी हुई है। सुबह से जब से ही आरती शुरू हुई है तभी से यहाँ पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही है। लगातार भक्त आ रहे हैं, माँ के दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली के कालका जी मंदिर की, तो बहुत ही सिद्धपीठ ये मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने और श्री कृष्ण ने भी यहाँ पर पूजा अर्चना की थी। जब पांडवों ने अपना युद्ध लड़ा था तो यहाँ से पूजा अर्चना करके माँ से वरदान मांगा था, और उस युद्ध में विजय प्राप्त होने के बाद भी वो यहाँ पर माँ कालका की पूजा करने के लिए पहुँचे थे। तो एक कहीं ना कहीं मान्यता जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बहुत ज़्यादा मंदिर में भीड़ भाड़ होती हुई भी नज़र आती है, क्योंकि सिद्धपीठ मंदिर है, प्राचीन मंदिर है जिसमें कि भक्तों का तांता यहाँ पर लगातार लगा हुआ है। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि मंदिर के छोटे छोटे बहुत सारे द्वार हैं जिसमें आप देखेंगे लगातार भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। वहीं माँ के दरबार की भी हम दर्शन कराने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा भक्त हैं जो माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने आ रहे हैं। आज रामनवमी का दिन है, नौवां नवरात्र है, तो भक्तों में जो एक खुशी की लहर देखने के लिए भी मिल रही है। तो भक्त वंचित कहीं ना कहीं चल रहे थे और अब की बार भक्तों को मौका मिला माँ के दर्शन करने का, जिससे कि भक्त बहुत ही उत्साह नजर आ रहे हैं। सर, दर्शन के लिए आप आए हैं काल? जी बहुत बढ़िया जी, इन्हीं का यही बेड़ा पार करती हैं, बस इसीलिए आए हैं जी सुबह सुबह। कुछ मुराद मांगी है आपने माँ से? माना जाता है यहाँ जो मुराद मांगो हर माँ मुराद, बस वो तो दिल में रहती है ना, वो पूरी कर देती है। देखिए भक्त का कहना है कि दिल में इनकी मुराद रहती है और माँ उस मुराद को पूरा करती है।
तो भक्त यहाँ पर लगातार आ रहे हैं दर्शनों के लिए। बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भी नज़र आ रही है, भक्तों का तांता लगा हुआ है, लंबी लंबी कतारें हैं। चाहे हम बच्चों की बात करें, बुजुर्ग की बात करें, तो एक महत्व भी हो जाता है कि आज रामनवमी का त्यौहार है, जिससे कि सभी मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ रश देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। जी अंशिका, बात करने की कोशिश करिए प्रिया आप कुछ भक्तों से वहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर भक्तों से, जो भक्तगण आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है। हम अभी जानने की कोशिश करेंगे, एक आई हैं जिन्होंने शायद नवरात्रों की पूजा यहाँ पर की होगी, हलवा चरे का लोग प्रसाद बना करके यहाँ पर ला रहे हैं। आंटी दर्शनों के लिए आप आई हैं, कैसा लग रहा है? क्या कुछ माँ से मुराद मांगी आज कन्या सब अच्छा ही होगा, माता रानी सब पर कृपा करेंगी। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, भक्ति हैं माँ के। अंदर जाने की हम कोशिश करेंगे अंशिका, ताकि भक्तों का एक तस्वीर माँ की लाइव दिख सके। कोशिश करेंगे कि माँ की तस्वीर हम लाइव आपको दिखा सके। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें काल भी है, क्योंकि बहुत लोगों को मान्यता है कि माँ के यहाँ पाई जाती है, बिल्कुल कि मंदिर के अंदर द्वार है भी है, क्योंकि बलि यहाँ पर शायद लोग। प्रिया बहुत ज्यादा तकनीकी खराबी हो रही है, क्योंकि मंदिर के अंदर तक जाने पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए आप कोशिश करिए कि आप मंदिर के थोड़ा बाहरी एरिया में रहें और लोगों से बातचीत करें। ब्रजेश जी, अयोध्या में आज बहुत ज़्यादा देखा जाए तो लोगों के अंदर एक्साइटमेंट है, क्योंकि एक लंबे ब्रेक के बाद इस तरीके से वापस से जश्न का माहौल है और फिर राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब तक आएंगे यहाँ पर, और जो कार्यक्रम जो भी किए जाएंगे उसका प्रसारण भी होगा? देखिए अंशिका, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री के यहाँ आने का कोई कार्यक्रम नहीं है, मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देशों में जो अयोध्या है इस बार भव्यतम रामनवमी यहाँ पर आयोजित की जा रही है। अब देखिए मैं सरयू घाट के जरा आपको ये तस्वीर दिखाऊं कि किस तरीके से ये जो पूरी तस्वीर है, ये आपको बताती है कि किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, कैसे जो है यहाँ पूरे ये राम की पैड़ी है। राम की पैड़ी का निर्माण अभी 2017 के बाद से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है सरयू तट का न सिर्फ नवीनीकरण किया है, बल्कि नए राम की पैड़ी घाट का निर्माण किया गया है। आप देखिए इस घाट में किस तरीके से सरयू की, क्योंकि दो धाराएं हैं, सरयू की दूसरी धारा को राम की पैड़ी के रूप में यहाँ पर लाया गया है, और ये अपने आप में रात में जब इसमें लेजर शो होता है, साउंड एंड लाइटिंग का शो होता है, वो अपने आप में अद्भुत होता है। आप जरा सामने देखिए जो प्राचीन मंदिर हैं, ये सब नागेश्वरनाथ मंदिर, इसके साथ ही जो दूसरे अन्य प्राचीन मंदिर हैं, राम की पैड़ी के तट पर जो है, कहते हैं एक भागीरथ थे जो गंगा को लेकर के आए थे, लेकिन सरयू की धारा को मोड़ करके पूरी राम की पैड़ी का निर्माण किया गया है। और यहाँ पर इस वक्त जो लाखों लाख श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर स्नान के लिए आ रहे हैं। आप देखिए कैसे सरयू में डुबकी लगाते हुए, आप देखिए ये नदी आपको सरयू के इसमें पार करते हुए नजर आएंगे, तो ये सेफ है। सरयू का जो दूसरा जो जहाँ मुख्य नदी है सरयू की, वो काफ़ी गहरी है, और वहाँ पर भी जो है लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन राम की पैड़ी में लोग सुरक्षित तरीके से आसानी से स्नान कर सकते हैं, इसलिए आ रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए खास बात, ये जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ से स्नान करते हैं, फिर सरयू का जल लेकर के आते हैं। सर बाबूजी एक चीज़ ये बताइए, ये जल लेकर के कहाँ जा रहे हैं? ये नागेश्वरनाथ भगवान शंकर को चढ़ाने। अच्छा, भगवान शंकर जी को चढ़ाएंगे? जी जी, स्नान के बाद जी शंकर जी के दर्शन करने जाएंगे। जी जी जी, और राम जन्मभूमि के दर्शन किए? राम जन्मभूमि दर्शन कल करिए। हाँ कल। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं जनपद बलरामपुर के हरैया। राम जी का जन्म होने वाला है? हाँ रात में होगा। जी कितना बड़ा मौका है? जी बहुत बड़ा मौका है। अच्छा लग रहा है यहाँ? बोले श्री रामचंद्र की जय, सियापत रामचंद्र की जय, जोगी मोदी जिंदाबाद, जोगी मोदी जिंदाबाद। जोगी मोदी ने क्या किया? अरे उन्हीं की देन है ये। हाँ उन्हीं की देन है। यहाँ पर आने वाले लोग जो है जो राम जी की जयकार तो कर ही रहे हैं, लेकिन
योगी मोदी की जयकार भी कर रहे हैं, क्योंकि वाकई में इस अयोध्या का स्वरूप जिस तरीके से बदला गया है, आप देखिए, वो अपने आप में बेहद लाजवाब है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से रूट मैनेजमेंट किया गया है ताकि किसी को किसी तरीके से असुविधा ना हो, ये अपने आप में एक बेहद अहम है। लोग उत्साहित हैं यहाँ पर दर्शन के लिए। लोग जो है रामलला के दर्शन करके आ रहे हैं, सरयू स्नान कर रहे हैं, हनुमानगढ़ी में जाकर के दर्शन करेंगे। तो ये अपने आप में, ये आप देखिए, बहुत सारे लोगों ने तो यहीं राम की पैड़ी में डेरा जमा लिया है। रात भर जो है लोगों ने यहीं पर रह करके जो है रात गुजारी है। आप देखिए, लोग यहीं पर खाना बना रहे हैं, यहीं पर आप जो है लोग रात भर रुके हुए हैं। तो ये श्रद्धा है, ये आस्था है। आस्था व्यवस्था नहीं देखती, आस्था का व्यवस्था से कोई ताल्लुक नहीं होता। यहाँ तो बस एक ललक होती है कि कब अपने प्रभु के दर्शन करें, कब अपने प्रभु के दर पर पहुंचे। और ये अपने आप में भावना यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ब्रजेश जी, ऐसे लोग पूरी पूरी रात इसमें खुले। ठीक है ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और तमाम जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं उसके लिए। प्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया, हरेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया और आलोक आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।